अस्थाई संघर्ष महासंघ जो कि अपनी जमीन, घर और पहचान को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन 12 दिनों के धरने पर है, आज धरना भूख हड़ताल में बदल गया। धरने के समर्थन में 42 गाँव के किसान हैं जो आज प्रतिदिन की तरह हजार हजार की संख्या में धरना स्थल पहुंचे। अब्दुल कवि की रिपोर्ट। ये ट्राली रंडवा से आई है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बड़े गांव से ट्रालियां आई, सभी गांव से लोग घर भर के आ रहे हैं। ऐसे ही जोश भरना है साथियों, किसी तरह ताकत से अपने संघर्ष को मजबूत करना है। यही ताकत दिखाने की जरूरत है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जिस तरह आज ताकत के साथ यहाँ आ रहे हैं, इसी तरह रोज आए, रोज आगे अपने संघर्ष को मजबूत करें। ये एक दिन की बात नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है साथियों, आर पार की लड़ाई है। भैया जहाँ जहाँ जगह मिलती है सब लोग बैठ जाए, थोड़ा जगह कम पड़ गई है, कोई बात नहीं है। हम लोग वैसे भी खेतों में दिन रात ही मरते हैं, थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। इस बार से कहीं से ज्यादा परेशानी नहीं है साथियों, जो चार चार महीने हम लोगों ने परेशानी झेली है उससे बड़ी परेशानी नहीं है। दो घंटे खड़े भी हो जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी हम लोग तीन चार महीने झेली है हम लोगों ने, तो ये तो कोई भी परेशानी नहीं। आज थोड़ी परेशानी, थोड़े कष्ट कर लेंगे तो आगे को सुखी हो जाएंगे, बच्चों का भविष्य। तो साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य रजीउल्ला जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आए और अपनी बात रखें, रजीउल्ला जी उनका स्वागत है।